अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वासिश शर्मा, मेरे से मौजूद है हुसैन इमाम। आपको आफ्टर संडे को जाकर कहता हूँ। तो फाइनली गाइस, पीसीबी ने पाकिस्तान के लिए मई 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक के जितने भी मैचेस हैं, जिसमें आपके T20 चैंपियनशिप है, ODI सुपर लीग है, और जो पाकिस्तान जिन जिन मुल्कों में जाके खेलेगा और जोन जोन से मुल्क पाकिस्तान में आगे खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, वो सारे अनाउंस कर दिए हैं। तो वो इंशाल्लाह हम आपसे सारा कुछ शेयर कर देंगे। और अब हमने ये भी शायद से पूछने के जो आगे जो चेस चैंपियनशिप के लिए जो क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान इस सूरतहाल में है, क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शायद हमसे पूछने के कौन कौन से मैचेस हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान पीसीबी ने अपनी न्यू कमिटमेंट का अनाउंस किया है। मई 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक जो पाकिस्तान ने जितने टेस्ट खेलने हैं, जितने ODIs खेलने हैं और जितने T20s खेलने हैं, वो अनाउंस कर दिया है। ऑलमोस्ट 7 टेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान ने इस पूरे ईयर में खेलने हैं। इसके अलावा 12 ODIs हैं जो कि पाकिस्तान ने पूरे ईयर में खेलने हैं। और जो 60 टेस्ट हैं जो आप अभी बात कर रहे हैं कि उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कौन कौन से टेस्ट किधर किधर हम खेलेंगे और कहाँ पे खेलेंगे और कौन स्टूल कैसा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी तो कोविड की वजह से वो वापस चले गए थे और ODI नहीं हुए नहीं थे, तो वो ODI स्टूल है जून में। तो पाकिस्तान की जो टीम है वेस्ट इंडीज़ को रावलपिंडी में होस्ट करेगी 3 ODIs के लिए जो कि सुपर लीग का हिस्सा होंगी। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पाकिस्तान की जो असाइनमेंट है वो जुलाई अगस्त में है। पाकिस्तान ने श्रीलंका मूव करना है जहाँ पे वो 2 टेस्ट और 3 ODI वहाँ भी खेलेगी। सही। उसके अलावा जो पाकिस्तान की अगली असाइनमेंट है वो नीदरलैंड का टूर है पाकिस्तान का, जो जहाँ पे वो 3 ODIs नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। इसके साथ जो है सितंबर में 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक जो है एशियन जो कप है उसका T20 फॉर्मेट लेवल पे होगा। तो उसके बाद वहाँ से नीदरलैंड से वहाँ पे पाकिस्तान T20 खेलेगा एंड देन इंग्लैंड की जो टीम है वर्ल्ड कप से पहले आएगी और 7 T20 का जो है पाकिस्तान में उनके शेड्यूल है और वो जो शेड्यूल है वो 7 T20 खेलेगी। इसके अलावा फिर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप है एंड देन नवंबर दिसंबर में जब वर्ल्ड कप हो जाएगा T20 का, तो उसके बाद 3 टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम वापस पाकिस्तान को विजिट करेगी और फिर 3 टेस्ट खेले जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है न्यूजीलैंड फॉलो न्यूजीलैंड का जो टीम है यस दिसंबर जनवरी में न्यूजीलैंड की जो मेंस टीम है वो पाकिस्तान आएगी, 2 टेस्ट और 3 ODI खेलेगी। और इसके बाद जो है फिर वो अप्रैल में वापस आएंगे जहाँ पे वो 5 T20 का खेलेंगे। आई मीन पूरा ईयर जून से ऑनवर्ड जितना भी आप बात कर लें, जून से ऑनवर्ड अप्रैल 23 तक पाकिस्तान एक कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रही है। उसमें 2 बड़े टूर्नामेंट शामिल है जिसमें एशिया कप है और दूसरा वर्ल्ड कप का T20 वर्ल्ड कप है जो ऑस्ट्रेलिया में होना है। तो बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के लिए जून से जो एक मोमेंटम बनेगा वो राइट फ्रॉम दी स्टार्ट होगा। जो आप बात कर रहे हैं कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप के, जो देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया से हमने सीरीज 2-1 से लॉस की है, मैं ये समझ रहा था, बल्कि हमारे जितने भी क्रिकेट के एनालिसिस ये समझ रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को बीट करेंगे 3-0 से ना करें, एटलीस्ट 2-0 से दूर करते, लेकिन गंगा उल्टी हो गई, उन्होंने 1-0 से पाकिस्तान को बीट किया। तो उसके लिए उसकी वजह से पाकिस्तान का जो नंबर 2 पे तक खड़ा था तो नंबर 4 पे आ गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये 60 टेस्ट जीतता है पाकिस्तान, तो मेरा ख्याल है कि तब कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि पाकिस्तान शायद ICC टेस्ट क्वालिफाई कर जाए। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो कि पाकिस्तान ने लूज़ की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वैसे पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहला टेस्ट लूज़ किया था वेस्ट इंडीज़ के अंदर, तो वो भी बड़ी मेरा ख्याल है कि नहीं हारना चाहिए था, वो भी जीता भी आपने किया। बांग्लादेश में आप 2-0 से जीते, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को भी 1-0 से या 2-0 से हराते तो पाकिस्तान अभी बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजिशन होता। और पाकिस्तान ने देखिए 2 टेस्ट जो श्रीलंका के लंका में है वो भी आपको पता ही है कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट का सिलसिला का चल रहा है, माइट भी ना हो लेकिन अभी 3 माह का टाइम ड्यूरेशन है, तो माइट भी के 3 माह तक हालात बेहतर हो तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि श्रीलंका में वो 2 टेस्ट होंगे। वो 2 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, वो 2 टेस्ट जीतता है पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड ने 3 टेस्ट खेलने हैं पाकिस्तान में आके, तो आप उनको इंग्लैंड को यहाँ पे बीट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाय द वे इंग्लैंड के बात बता दें, जॉय रूट ने इंग्लैंड की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, स्टेप डाउन हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर थी जो आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। उसके बाद 2 टेस्ट न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान में खेले, तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है कि पाकिस्तान को ये 7-0 के 7-0 टेस्ट जीतता है तो पाकिस्तान पर अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो
आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले बाकी जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड लीग के लिए बात करते हैं तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि इजीली क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि 12 ओडीआई पाकिस्तान ने खेलने हैं तो 12 ओडीआई में श्रीलंका के में तीन खेले हैं तो वीक टीम है श्रीलंका की वेस्ट इंडीज की भी इतनी पायदार नहीं है पाकिस्तान को 3-0 से वेस्ट इंडीज को यहाँ पर बीट करना चाहिए जून में 3 ओडीआई नीदरलैंड के खिलाफ खेलने हैं तो वहाँ पर अगर वेदर डिस्टर्ब नहीं करता तो मेरा ख्याल है वो भी हम नीदरलैंड के खिलाफ भी 3-0 से इजीली विन कर लेंगे बाकी जो 3 ओडीआई हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है तो मेरा ख्याल है कि अपनी जो आप कंडीशन में खेलेंगे तो आपको कंडीशन सूट करेगी और न्यूजीलैंड की टीम अभी जितनी अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेली है तो इतने सूटेबल नहीं है बांग्लादेश से न्यूजीलैंड के अंदर ही वो टेस्ट हार गए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि पाकिस्तान ये 12 के 12 ओडीआई जीत के इजीली मेरा ख्याल है क्वालिफाई कर लेगा ओडीआई का तो ओडीआई में जो सुपर लीग में पाकिस्तान मेरा ख्याल तो सेफ साइड पे मेरे ख्याल से अभी जो टीम्स का नज़र आ रहा है ओडीआई के मोमेंटम तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इजीली क्वालिफाई करना चाहिए देखिए 3-0 लाजमी वेस्ट इंडीज़ को मारना चाहिए 3-0 नीदरलैंड को 3-0 श्रीलंका को और अगर नीदरलैंड को देखते हैं 2-1 से अगर आप जीत सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सीरीज जीतनी चाहिए और आपने सारी कंडीशन में अपनी कंडीशन में खेलना है नीदरलैंड आप जाएंगे लेकिन नीदरलैंड की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है अगर आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के हिसाब तो जून से लेकर नेक्स्ट बाकी T20 का भी जो मैं बताता चलूँ T20 में भी 2 बड़े टूर्नामेंट है एशिया कप का है जो कि 1 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक शेड्यूल है और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा वर्ल्ड कप का शेड्यूल है अक्टूबर नवंबर में तो वो 2 बड़े टूर्नामेंट है तो पाकिस्तान को उसको भी नज़र रखनी चाहिए उससे पहले पाकिस्तान ने 7 T20 इंग्लैंड के खिलाफ ही खेलने हैं पाकिस्तान में वर्ल्ड कप से पहले और इससे पहले आपको एशिया कप में भी चांस मिलेगा तो मेरा ख्याल है कि आपके पास काफ़ी मैचेस हैं कि आप वर्ल्ड कप की अच्छी प्रिपरेशन के साथ जा सकते हैं और 5 की रात में अप्रैल में नेक्स्ट ईयर न्यूजीलैंड वापस आएगी पाकिस्तान में तो वो 5 T20 फिर ले जाएंगे पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ईयर है और हम जो 2 माह का गैप था अप्रैल मई का तो वो जून से क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जून से इंशाल्लाह क्रिकेट जो है पाकिस्तान की रिवाइव होगी फिर से खेली जाएगी पाकिस्तान के पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं T20 वर्ल्ड कप और T20 ODIs और टेस्ट मैच के लिए देखिए इंपॉर्टेंट जो है टेस्ट ही है अगर आप हमने अभी ये दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप का ईयर है इससे पहले न्यूजीलैंड पहले जो टेस्ट चैंपियन ईयर में जीता है इंडिया के को बीट किया था उन्होंने साउथहैम्पटन में तो अब दूसरा जो है ये साल क्लोज होगा तो देखा जाएगा तो मैं ही समझता हूँ कि टेस्ट को जरूर देखना चाहिए और पाकिस्तान को सारे टेस्ट जीतने चाहिए और मान लीजिए पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है जीतने का थोड़ा सा सिलेक्शन का इशू आता है पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम सेलेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाता उसके बाद टेस्ट में जो रन रेट दूसरी टीमें अच्छे तरीके से खेलती हैं हम उस रन रेट से नहीं खेलते तो आई मीन ये 2 से 3 चीज़ें पे काम करने की जरूरत है अगर वो काम करेंगे तो होपफुली पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है पाकिस्तान के पास बैटिंग भी अच्छी है तो मेरे ख्याल है कि हम इजीली और कन्वीनसली जीत सकते हैं चेंज करने पड़ेंगे और इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ जब इनका जिस तरह वेस्ट इंडीज़ का तो टूर अनाउंस है वो हमने बता भी है अपनी वीडियो में कि 3 ओडीआई किस किस डेट को रावलपिंडी में शेड्यूल है बाकी जूं जूं जिस जिस टीम के खिलाफ डेट्स आती जाएंगी वो तो वो हम साथ साथ बताते जाएंगे कि कौन सी डेट्स पे कौन सा मैच होना है अब जिस तरह श्रीलंका का जब अनाउंस होगा 2 टेस्ट का और 3 ओडीआई का तो वो भी हम अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे अप्रैल जो है उसके बाद नीदरलैंड में जो 3 ओडीआई हैं उसको भी शेयर करेंगे उसके बाद जो एशियन कप आ रहा है एशिया कप आ रहा है 1 से लेकर 17 सितंबर तक तो उसका भी शेड्यूल अनाउंस करेंगे इसके अलावा 7 T20 जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान में खेला जो साथ साथ डेट्स अनाउंस होती जाएंगी तो वो हम बताते चलेंगे ये बताने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ये शॉर्ट शॉट सीजन जो पाकिस्तान ने आप खेलने ही खेल रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लगा दोगे तो फिर बहुत सारा रखिए।